Bismillahirrahmanirrahim. Now this is for third lecture of nomenclature, and in this lecture we're going to cover alkyl halides and compounds containing oxygen functional groups. So ab hamara kaam hai aap se baat karna about the nomenclature of alkyl halides. Now these are the compounds which contains halogen, so we can call them halogen derivatives of alkene or alkyne. So जो तरीका है हमारे पास organic compound के हिस्से में वो ये simple है कि ये वो organic compound जिसमें carbon hydrogen के साथ साथ हैलोजन भी मौजूद होते हैं. और सिंपल डेफिनेशन हम इनकी ये देते हैं कि अगर किसी एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हैलोजन रख दिया जाए तो दे आर सिंपल अल्काइल हैलाइड्स. अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये हैं कि आप एल्केन से एक की जगह एक से ज़्यादा हैलोजन हटा दें तो भी वो इसी कैटेगरी में आएगा. आप एल्केन की जगह एल्कीन से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दें या अल्काइन में से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा दें, ये सब अल्काइल हैलाइड्स की ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगी. सो इन सिंपल वे अब हम दोबारा अल्केन अल्कीन अल्काइन ही के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बस फ़र्क ये होगा कि उसमें कहीं हैलोजन भी मौजूद होंगे एक या एक से ज़्यादा. तो जो तरीका है IUPAC का नाम देने का वो ये है कि हम हैलोजन को ब्रांच के तौर पर डिक्लेयर करते हैं. जैसे अब तक ब्रांचेस में मिथाइल इथाइल वगैरह आ रहे थे, अब उसमें हैलोजन भी आएंगे. और वो ब्रांच हैलोजन अल्केन के साथ अटैच है तो उसका अल्केन के साथ नाम बनाइए, अल्कीन के साथ अटैच है या अल्काइन के साथ अटैच है वैसे ही नाम बनाइए. इस हिसाब से IUPAC वाले जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स को नाम देते हैं इस तरह कि वो हैलोजन को ब्रांच कंसीडर करते हैं और वो हो गया हेलो. और वो अगर अल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगाया गया है तो हेलो अल्केन, अगर अल्कीन के हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगाया गया है तो हेलो अल्कीन, और अगर अल्काइन के साथ ये काम किया गया है तो हेलो अल्काइन. दीज आर द पॉसिबिलिटीज़. और हेलो का मतलब हैलोजन से निकला है, तो अगर वो फ्लोरीन होगा तो हम उसे फ्लोरो कहेंगे, वो ब्रोमीन होगा तो हम उसे ब्रोमो कहेंगे, वो क्लोरीन होगा तो हम उसे क्लोरो कहेंगे, और वो आयोडीन होगा तो हम उसे आयोडो कहेंगे. इस हिसाब से अब अगर मैं आपके सामने कंपाउंड बनाऊं विच इज़ मीथेन CH4, ये अल्केन का सबसे छोटा मेंबर है जिसको हम मीथेन कहते हैं. तो अगर मैं इसमें से CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसी जगह कोई हैलोजन लगा दूं तो क्या बनेगी बात, आई जस्ट रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन, एक वैलेंसी खाली हुई और उसकी जगह मैंने क्लोरीन लगा दिया. तो इस कंपाउंड का नाम था मीथेन. तो अब इसका क्या नाम होना चाहिए, क्लोरीन वाला मीथेन, यानी ऐसा मीथेन जिसमें क्लोरीन मौजूद है. तो हमने कहा क्लोरीन को ब्रांच के तौर पे कहिए क्लोरो, एंड सिंस इट इज़ अटैच और इट इज़ डिराइव फ्रॉम मीथेन तो ये हो गया क्लोरो मीथेन. तो अब हिसाब ये बन गया कि आप अल्केन का जब नाम देते हैं तो ये याद रखिएगा CH4 को मीथेन नहीं कहते थे, लफ्ज़ मीथ का मतलब था एक कार्बन और एन का मतलब था इस कार्बन ने चार सिंगल बॉन्ड बनाने हैं. ये मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको दिया था. और ये कहा था कि जब आप ये देखेंगे चार वैलेंसियाँ खाली हैं मीथेन के नाम में तो कहीं तस्करा ही नहीं है कि इन चार वैलेंसीज पे कौन हो, तो अंडरस्टूड है वहाँ हाइड्रोजन हो. तो जब हमने सिर्फ सिंपल मीथेन लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये एज्यूम कर लिया कि इट कंटेन्स हाइड्रोजन. जब हम कह रहे हैं क्लोरोमीथेन तो इसका मतलब है मीथ की जगह आप एक कार्बन रखेंगे, एन की जगह चार सिंगल बॉन्ड. और अब आपने देखा ये सिंपल मीथेन नहीं है, इसके साथ लिखा हुआ है क्लोरोमीथेन, तो इसका मतलब है वन ऑफ दी बॉन्ड इज़ इंगेज विद क्लोरीन, बाकी तीन बॉन्ड का कुछ नहीं बताया गया. तो जब कुछ नहीं बताया गया तो वहाँ हाइड्रोजन है. दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट. तो अब अगर मैं लिखूँ डाई क्लोरोमीथेन तो इससे आप क्या मतलब लेंगे, अगेन मीथेन का मतलब है एक कार्बन जिसके साथ चार बॉन्ड बनेंगे. क्योंकि डाइक्लोरो लिखा है तो किसी भी दो जगह पे दो क्लोरीन लगाइए और बाकी जो दो जगह हैं वहाँ फिलिंदा ब्लैंक कीजिए हाइड्रोजन से. आप कहें ट्राइक्लोरोमीथेन तो आप तीन जगह पे क्लोरीन लगाएंगे और एक जगह जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन, खाली पर ही छोड़ सकते हैं वहाँ हाइड्रोजन है. टेट्राक्लोरोमीथेन चारों जगह क्लोरीन लगा दें. दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हमने ये समझा कि ये दोबारा अल्केन अल्कीन अल्काइन ही के नाम आप देंगे, बस जहाँ हैलोजन लगा है उसका नाम साथ में एज अ ब्रांच लगा दीजिए. तो अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो माई सेकेंड एग्जाम्पल प्रोबेबली बी दिस,
आप देख सकते हैं दो कार्बन वाला ईथेन, उसके एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया, सो यू कैन कॉल इट क्लोरो ईथेन। हाँ, दो से ज़्यादा कार्बन जैसे ही हुए, और हमने फ़र्ज़ कर लीजिए इस तरह से तीन कार्बन वाली चेन के साथ ब्रोमीन लगा दिया, तो अब आपने समझ लिया कि ये तीन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, ये प्रोपेन है जिसके साथ ब्रोमीन की ब्रांच लगी हुई है, तो ये ब्रोमो प्रोपेन हुआ। और अब हमें ये बताने की ज़रूरत है कि ये ब्रोमीन प्रोपेन के किस कार्बन से लगा है, क्योंकि ब्रोमीन कैन बी अटैच टू द कॉर्नर एंड कैन बी अटैच इन द मिडिल, तो ये दोनों ब्रोमो प्रोपेन होंगे, ये भी ब्रोमो प्रोपेन होगा, और दोनों में फ़र्क होगा ब्रोमीन की पोजीशन का, तो इसे हम कहेंगे वन ब्रोमो प्रोपेन, इसे कहेंगे टू ब्रोमो प्रोपेन, यानी गिनती शुरू करेंगे कार्बन में ये देखने के लिए कि ब्रोमीन कहाँ लगा है, तो उस कोने से करेंगे जहाँ से ब्रोमीन करीब पड़ता है। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है, और यहाँ लेफ्ट या राइट कहीं से भी गिनती गिने तो सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है। इसका मतलब तीन कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से ये नेसेसरी हो गया कि आप हेलोजन की पोजीशन भी बताएंगे। तो इस हिसाब से अब बहुत सिंपली हिसाब किताब कर सकते हैं आप, फॉर कंपाउंड्स लाइक दिस, वेल इट इज़ अ लॉन्ग कंपाउंड्स में छः कार्बन आ रहे हैं, और जो नज़र आ रहा है कि अगर राइट से गिने तो सेकंड पर आयोडीन है, तो दिस बिकम्स टू आयोडोहेक्सेन। अब सिर्फ हमें ये रह गई बात कि हम उसी तरह ब्रांच अल्केन ब्रांच अल्कीन ब्रांच अल्काइन बनाएं और उसमें हेलोजन भी मौजूद हो, तो जस्ट अ प्रैक्टिस, जैसे मैं दो तीन स्ट्रक्चर सिर्फ कर रहा हूँ, ज़्यादा तफसील में कर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर मेरे पास किसी कंपाउंड में ब्रांचेस भी हैं और हेलोजन्स भी हैं तो क्या करें, तो सिर्फ एक चीज़ हमें देखनी होती है कि प्रायोरिटी गिनती किसकी तरफ से शुरू करें। तो अब तक हमने जो बातें पढ़ी हैं उसके हिसाब से हम डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बताते हैं, हम अल्काइल ग्रुप की भी पोजीशन बताते हैं, और अब हेलोजन की भी बता रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ये है कि अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, हेलोजन भी मौजूद हो, अल्काइल ग्रुप भी, तो हमारी प्रायोरिटी होगी गिनती वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है। दूसरे नंबर पर हमारे लिए हेलोजेंस हैं, और तीसरे नंबर पर ये मिथाइल इथाइल अल्काइल ग्रुप हैं। इस हिसाब से हेलोजन की प्रायोरिटी अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा है। ये जो ब्रांच है मिथाइल इथाइल, इसे हम कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, अल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो इस हिसाब से गिनती शुरू होगी जहाँ से हेलोजन करीब पड़ता है, और नाम लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो क्लोरीन इत्तेफाक से सी से शुरू होता है, तो उसी का नाम पहले आएगा, टू क्लोरो फोर मिथाइल पेंटेन। ये हो गया काम। इसी तरह अगर वही बात है, एक से ज़्यादा हेलोजन आ जाएं, तो जिस तरह आप एक से ज़्यादा मिथाइल आ जाएं तो उनके नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा वगैरह लगाते हैं, वैसे ही यहाँ लगेगा। तो ये जो अभी मैंने टेट्रा क्लोरो ट्राई क्लोरो मीथेन भी पढ़ा, तो ये हो गया गिनती दोनों तरफ से शुरू करें, एक ही बात है, टू थ्री डाई क्लोरो ब्यूटेन। अब अगर यहाँ पर फ़र्ज़ कर लीजिए हेलोजन जो है वो ऐसे हाइड्रोकार्बन के साथ लग जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो, देन इट डजन मेक एनी डिफरेंस टू अस, बिकॉज अब ये एक अल्कीन है पांच कार्बन वाला जिसमें डबल बॉन्ड है, उसके साथ हेलोजन लगा हुआ है। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक गिनती वहाँ से नहीं शुरू होगी जहाँ से हेलोजन करीब पड़ रहा है, गिनती वहाँ से शुरू होगी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन से ज़्यादा है। इसलिए नाम बनेगा फाइव क्लोरो टू पेंटीन। हम इसी को अब अगर ऐसे ले थोड़ी सी और तफसील से देखें, लाइक दिस, तो अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, हेलोजन भी है, अल्काइल ग्रुप भी है, गिनती शुरू होगी जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है, यानी यहाँ से पांच कार्बन की पेरेंट चेन है, इसमें ब्रोमीन भी ब्रांच है और मिथाइल भी ब्रांच है, तो नाम ये बनेगा कि टू ब्रोमो थ्री मिथाइल टू पेंटीन। अब हम चाहें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बहुत सारी एग्जांपल बना सकते हैं, लेकिन जो
कॉन्सेप्ट हमें अब चाहिए। ऐसी बात है, आप प्रैक्टिस करें, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे करने के लिए, वो आपकी मर्ज़ी है अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर इतनी नहज तक आपको ये नॉमनक्लेचर आ रहा है कि आप हर टाइप के कंपाउंड की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स कंफर्टेबली कर रहे हैं, तो दैट्स इनफ फॉर नाउ, ठीक है ना। तो एक जस्ट आपकी तसल्ली के लिए कि इसमें डब ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया, तो ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आ जाए विल नॉट मेक एनी बिग डिफरेंस टू अस, क्योंकि हम फिर यही याद करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा है गिनती वहाँ से शुरू होगी और हैलोजन की प्रायोरिटी नहीं है, तो ये नाम बनेगा 5-chloro-2-pentyne। दिस इज़ ऑल अबाउट अल्काइल हलाइड्स, इज नथिंग बट अ रिपीटिशन ऑफ अल्केन अल्कीन एल अल्काइन विद ओनली वन एडिशन, कि अब हमारी ब्रांचेस में कोई हैलोजन भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यही है कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसमें और कैरेक्टर आते जाएंगे। तो अब हम आगे, आपको भी याद है ऑक्सीजन के 6 फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में थे, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो हर एक में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किस किस्म के फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल या ईथर या एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं, उनकी पहचान, उनको स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करना और उनको IUPAC में किस तरह नाम दिया जाता है, प्लस प्रायोरिटी लिस्ट में उनका ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें अब हमें चाहिए। बेसिक रूल्स यही रहेंगे जो ये हैं, यानी इसका मतलब है अब अगर मैं अल्कोहल को कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, वो मैं किन कंपाउंड्स के साथ लगाऊंगा, किसी भी अल्केन के साथ, किसी भी अल्कीन के साथ, किसी भी अल्काइन के साथ, एंड दे मे कंटेन हैलोजन एज वेल। तो जो चीज़ें अब तक पढ़ ली हैं उन चीज़ों में अब हम इजाफे करते जाएंगे, हम दोबारा से ज़ीरो से कोई चीज़ शुरू नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी हमारा नेक्स्ट काम। नाउ दिस इज़ फॉर दी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। Now this is for the nomenclature of carbon compounds with oxygen containing functional group, और इसमें हमारा सबसे पहला है जो compound वो है alcohols, और इसको हम कैसे define करते हैं कि if hydrogen of alkene is replaced by hydroxyl group, hydroxyl group is OH, compound is called alcohol। अब ये बात भी हमें याद होनी चाहिए, हम फिर से बता रहे हैं, अल्केन जो होते हैं अगर हम उनमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, अगर मैं अल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो वो बन जाता है अल्काइल। मीथेन CH4 था, मिथाइल CH3 है, ईथेन C2H6 था, ईथाइल C2H5 है। सो एक हाइड्रोजन हटाने से अल्केन से अल्काइल बना, अल्काइल को हम कैपिटल R से जाहिर करते हैं और डैश लगा कर बताते हैं इसकी एक वैलेंसी खाली है। तो अल्केन क्या होना चाहिए कि वो जो एक वैलेंसी खाली है उस पर हाइड्रोजन है, तो जब आपने अल्केन में से हाइड्रोजन हटाया पीछे R बच गया अल्काइल ग्रुप। तो इस हिसाब से जब आप ऊपर वाली डेफिनेशन देखते हैं तो आपने अल्केन में से हाइड्रोजन हटा दिया, वो बन गया अल्काइल, और अब आपने क्या किया, आपने उसे OH दे दिया, तो वो क्या बन गया, ROH। तो हमने अल्केन के H को हटाकर उसकी जगह OH लगा दिया, तो ये कंपाउंड कहलाएगा अल्कोहल। ये है कॉन्सेप्ट। अब अल्कोहल की पहचान है कि उसमें आपको कहीं ना कहीं एक या एक से ज़्यादा OH नज़र आएंगे, तो जब भी OH किसी कंपाउंड में नज़र आएगा इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अल्कोहल्स। तो IUPAC वाले इनको कैसे नाम देते हैं, अब IUPAC नेम का थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा। अभी तक इसके नाम में, पेरेंट नेम में दो हिस्से होते थे, प्रीफिक्स सफिक्स जिनको हमने कह दिया था, एक ये बताता था हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर और एक बताता था कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन कार्बन। अब तीसरा हिस्सा ये बताएगा व्हाट टाइप ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट ओवर देयर। तो इस हिसाब से IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल है अल्का नॉल, और हमें याद है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती थी कि ALK तो कार्बन्स की तादाद हो गई, AN नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन हो गया,
कि अगर फ़र्ज़ कर लें सिंगल बॉन्ड है तो मैं ए एन ई लिखा करता था, अब ई ओमिट कर दिया है, सिर्फ ए एन रह गया है। सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन, डबल बॉन्ड के लिए ई एन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन, और ये जो ओ एल लगा है दिस इज़ फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज़ ओ एच ग्रुप। तो अब जिस भी कंपाउंड में ओ एच ग्रुप नज़र आएगा वो अल्कोहल है और उसके नाम के आखिर में ओ एल लगेगा। सो अब अल्कानॉल विल बी ए एल के कितने कार्बन हैं, ए एन, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो ये अल्कीनॉल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो अल्काइनॉल हो जाएगा, एंड ओ एल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ओ एच। तो इस हिसाब से जैसे मैंने कहा कंपाउंड है सी एच फोर मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो बन जाएगा सी एच थ्री मीथाइल, एक जगह खाली हो गई, उस खाली जगह पे अगर हम ओ एच दे देंगे तो ये बन गया सी एच थ्री ओ एच विच इज़ द फर्स्ट मेम्बर ऑफ अल्कोहल। तो ये है अल्कोहल का पहला मेंबर, क्या नाम होना चाहिए, मीथ एक कार्बन के लिए, ए एन सिंगल बॉन्ड के लिए और ओ एच के लिए ओ, तो ये बन गया मीथानॉल। तो सी एच थ्री ओ एच जिसको आप सी एच फोर ओ करके भी लिख सकते हैं, ये है मीथानॉल, दैट्स द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर दी अल्कोहल। तो इसी तरह अगर दो कार्बन वाले ईथेन के साथ ओ एच लग जाए तो दिस नेम शुड बी इथेनॉल। और फिर अब आप कंटिन्यू करें, वही कहानी है जैसे अभी हमने क्लोरीन हैलोजन के साथ की थी, दो से ज़्यादा कार्बन के साथ अगर OH लगेगा तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो किस कार्बन के साथ लगा है, तो आप उसकी उसी तरह पोजीशन बताएंगे जैसे आप इससे पहले बाकी चीज़ों की बताते रहे हैं। सो तीन कार्बन के साथ OH या तो कोने वाले कार्बन के साथ लगता है या फिर बीच वाले कार्बन के साथ लगता है, इन दोनों में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाय मेंशनिंग दी पोजीशन ऑफ ओ एच ग्रुप। सो नाम के लिहाज से तीन कार्बन है तो ये प्रोपेन, और ओ एच लगा हुआ है तो प्रोपेनॉल, ये भी तीन कार्बन है और ओ एच लगा हुआ है तो प्रोपेनॉल, दोनों में फ़र्क है ओ एच की पोजीशन। तो गिनती शुरू होगी उस कोने से जहाँ से ओ एच करीब पड़ता है, तो ये बना वन प्रोपेनॉल और ये बना टू प्रोपेनॉल, जिसे हम प्रोपेन वन ओल करके भी लिखते हैं क्योंकि बेसिकली ये पोजीशन ओ एच ग्रुप की है। तो प्रोपेन लिखकर फिर आप पोजीशन लिखें और टू ओल लिखें तो दिस इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट, दोनों चलते हैं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। और अब कहानी खुल गई, अब वही सारी चीज़ें जो पहली की हैं वो रिपीट हो जाएंगी कि अब इस ओ एच के साथ हम हर चीज़ को मिलाकर लिख सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी प्रायोरिटी लिस्ट विद ओ एच। तो अब हमें ये पता चला कि अगर ओ एच किसी कंपाउंड में मौजूद होगा तो टॉप प्रायोरिटी उसी की है, जहाँ से ओ एच गरीब पड़ता है आप गिनती वहीं से शुरू करेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हैलोजेंस हैं, अल्काइल ग्रुप है, वो सब बाद में, पहले ओ एच। तो टॉप प्रायोरिटी ओ एच की है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की दूसरे नंबर पर है, हैलोजन की तीसरे नंबर पर और अल्काइल ग्रुप की चौथे नंबर पर। तो अब इन सारी बातों को जहन में रखते हुए जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस वी कैन डू सम सिलेक्टेड एग्जाम्पल फॉर अल्कोहल्स। तो अब अगर मैं आपके लिए किसी अल्कोहल को ड्रॉ करता हूँ ऐसे कि उसमें कोई नॉर्मल सी ब्रांच भी हो लाइक सी एच थ्री, तो वो ये बन गया। गिनती शुरू होगी उस कोने से जहाँ से ओ एच करीब पड़ता है, ये नहीं देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप को कहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो ये नाम बन गया खुद ब खुद फाइव मीथाइल थ्री हेक्सानॉल। इसी तरह अगर हम इसमें डबल बॉन्ड भी ले आएँ, हैलोजिन्स भी ले आएँ, सारी हुजूम जमा कर लें और ऐसे बना दें, तो भी गिनती वहाँ से शुरू होगी जहाँ से ओ एच ग्रुप करीब पड़ता है। अब सारे फीचर्स हम जानते हैं, उसी हिसाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच है क्लोरीन, थ्री क्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन सिक्स हैं और जिसमें फोर्थ पे डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे फोर हेक्सीन, और ओ एच फर्स्ट कार्बन पर है तो उसकी पोजीशन ओल के साथ वन ओल। अब चूंकि डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी है इसलिए ज़रूरी है कि ओ एच की पोजीशन ओ एल के साथ लिखी जाए, तो ये नाम बन गया थ्री क्लोरो फोर हेक्सीन वन ओल। ओ एच ग्रुप एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये जब आपने लिखा अल्कानॉल तो इसमें ओल जो है ये बता रहा है वन अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वन ओ एच ग्रुप। अगर ये ओ एच ग्रुप एक से ज़्यादा होंगे तो अल्केन लिखकर ओ एल से पहले डाय लग जाएगा, तो दिस इज़ फॉर टू ओ एच ग्रुप्स। तो फिर अल्केन ट्रायोल
is for three OH groups and so on. तो इस हिसाब से आप इस कंपाउंड को देखें तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2,3 ब्यूटेन डायोल। एक सेकेंड कार्बन पर OH है, एक थर्ड कार्बन पर OH है और ओवरऑल चार कार्बन्स के साथ दो OH है, तो 2,3 ब्यूटेन डायोल विच इज़ ऑब्वियसली कैन बी रिटन एज 2-ब्यूटेन 2,3 डायोल। हम बहुत सिंपल एक स्ट्रक्चर ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने कहा कि तीन कार्बन हो या उससे ज़्यादा हो तो पोजीशन बतानी लाजमी है, तीन से कम कार्बन हो जैसे दो कार्बन हो तो ज़रा सोचना समझना पड़ता है। तो अब जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, ये इस बात को डिमांड कर रहा है कि देर आर टू कार्बन्स विद टू OH। तो अगर दो कार्बन हैं और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये ईथेन हो गया और इसके साथ दो OH हैं तो डायोल हो गया। मैंने ये सोच करके दो कार्बन है क्यों बताऊं पोजीशन, मैंने इसका नाम रखा इथेन डायोल। ये जो नाइन वाला स्ट्रक्चर है इसको देखा तो इसमें भी दो कार्बन और दो OH हैं तो इसका नाम भी इथेन डायोल ही बन रहा है और ये दोनों एक जैसे कंपाउंड नहीं है, इसमें दोनों OH एक ही कार्बन पर हैं, इसमें दोनों OH अलग अलग कार्बन पर। इसका मतलब यहाँ बगैर पोजीशन बताए मैं इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकता, आई नीड टू टेल दी पोजीशन। और ये बन जाएगा 1,1 इथेन डायोल और ये बन जाएगा 1,2 ईथेन डायोल विच इज़ ऑब्वियसली ईथेन 1,2 डायोल या ईथेन 1,1 डायोल कहलाएगा। तो इस लिहाज से ये सारे जो रूल्स बनते हैं अल्कोहल के साथ वो हमने इसमें कवर अप कर दिए। अब हम प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स करते रहे वो और बात है, लेकिन रूल्स की सारी बातें यहाँ पर पूरी हो गई। अल्कोहल के बाद हमारा नेक्स्ट सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन के लिए, वो कहलाता है ईथर्स। और ईथर्स को हम इस तरह से पहचानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन और उसके दोनों जानेब अल्काइल ग्रुप होता है जो कि सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं ईथर। इफ़ ऑक्सीजन इज़ इन बिटवीन टू सिमिलर और डिसिमिलर अल्काइल ग्रुप देन द कंपाउंड्स आर कॉल्ड ईथर्स। तो इसका मतलब ये निकला कि अब इसका IUPAC नेम कैसे देंगे, तो इसका IUPAC नेम हम देते हैं अल्को ऑक्सी अल्केन करके। टेक्निकली ये दोबारा हम अल्केन अल्कीन अल्काइन के नाम देंगे, बस उसमें एक नई टाइप की ब्रांच आ जाएगी। हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप ये देखिए कि ऑक्सीजन के दोनों जानेब जो कार्बन की चेन या अल्काइल ग्रुप है उसमें किस में ज़्यादा कार्बन है और किस में कम कार्बन है। सपोज़ R डैश जो मैंने बनाया इसमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कार्बन वाला बन जाएगा अल्केन पेरेंट चेन, और जिसमें कार्बन एटम की तादाद कम है वो है सिर्फ R, उसके साथ ऑक्सीजन को मिलाइए और उसे एज ए ब्रांच कह दीजिए अल्को ऑक्सी। इसका मतलब है अब तक जो ब्रांचेस सिंपल थी वो अल्काइल थी, अब हमने नई टाइप की ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी विच इज़ अल्को ऑक्सी। तो अब एक कार्बन वाली ब्रांच जिसमें ऑक्सीजन हो वो मीथाइल नहीं मीथो ऑक्सी कहलाएगी, दो कार्बन वाली ईथो ऑक्सी कहलाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह अब आप नाम देंगे, आपके नॉर्मल एल्केन की ब्रांचेस मीथाइल इथाइल होती थी, ईथर की ब्रांचेस मीथो ऑक्सी ईथो ऑक्सी हुआ करेंगी। तो अब अगर मैं नाम देने की कोशिश करूं तो अब आप खुद देखिएगा, दिस इज़ माय फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें बिल्कुल ऊपर वाली बात से कंपेयर करेंगे, आपके ऑक्सीजन के दोनों जानेब कार्बन की चेन है, एक में दो कार्बन है एक में एक कार्बन है। जैसे मैंने ऊपर कहा जिसमें दो कार्बन है यानी ज़्यादा कार्बन है उसे पेरेंट चेन कहिए, दो कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं ईथेन, तो इसको ईथेन कह देंगे। और ये जो एक कार्बन वाला हिस्सा है ऑक्सीजन उसके हवाले करेंगे, यानी इस हिस्से को हम ब्रांच बना देंगे पूरा। तो अब ये एक कार्बन वाली ब्रांच है जिसमें ऑक्सीजन भी है इसलिए इसका नाम बन गया अल्को ऑक्सी से मीथो ऑक्सी, तो ये कंपाउंड हो गया मीथो ऑक्सी ईथेन। इसमें अगर हम और मज़ीद बात करें तो ये लेफ़्ट राइट का चक्कर नहीं है, ऑक्सीजन बीच में होगा और दोनों तरफ कार्बन है, आपको सिर्फ ये देखना है किस तरफ ज़्यादा है किस तरफ कम है। अब की दफ़ा लेफ़्ट पर ज़्यादा है यानी इस हिस्से में तीन कार्बन है और इस हिस्से में दो कार्बन है, तो ये दो कार्बन वाले को ब्रांच बना देंगे और इसका नाम रखेंगे ईथो ऑक्सी, और तीन कार्बन वाले को पेरेंट चेन बना देंगे और इसका नाम रखेंगे प्रोपेन, तो ये नाम हो गया ईथो ऑक्सी प्रोपेन। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें सर व्हाट इफ़ देर आर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन बोथ साइड्स,
तो ये नाम जब दोनों तरफ एक जैसे हैं तो फिर तो आप किसी एक को ब्रांच ले लें, किसी एक को पेरेंट चेन, ये हो जाएगा इथोऑक्सी ईथेन। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ऑब्वियसली हम ज़्यादा कार्बन लेकर उसमें ये जो अल्को ऑक्सी ग्रुप वाली ब्रांचेज हैं इनकी पोजीशन भी बतानी पड़ती है। तो अब यूँ लिख दें तो अब आपको साफ दिख रहा है ऑक्सीजन के एक तरफ ये पांच कार्बन की पूरी चेन है, ये पूरा पांच कार्बन है, और एक तरफ ये पूरा मीथो ऑक्सी है। तो अब आप इसका नाम रखेंगे कि मीथो ऑक्सी पेंटेन। अब ये सवाल पैदा होगा कि पेंटेन में तो पांच कार्बन है, मीथो ऑक्सी कहाँ लगा हुआ है? तो हम उसकी पोजीशन बताएंगे और उस कोने से गिनती गिनेंगे जिस कोने से मीथो ऑक्सी करीब है। तो अब ये पूरा नाम बन गया टू मीथो ऑक्सी पेंटेन। यूँ सोचिए अगर ये ऑक्सीजन ना होता, अगर हम इस वाले ऑक्सीजन को ना बनाते तो ये सिंपल टू मीथाइल पेंटेन होता जो हम पढ़ चुके हैं। अब सिर्फ एडिशन ये हो गया कि ब्रांच में ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये टू मीथो ऑक्सी पेंटेन हो गया। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट इशू क्या है कि प्रायोरिटी लिस्ट में ये जो मीथो ऑक्सी या अल्को ऑक्सी ग्रुप है ये कहाँ जाता है? तो अब नई प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक सबसे टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप OH ही है, जबकि ये जो OR है अल्को ऑक्सी ईथर ग्रुप ये दूसरे नंबर पर है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड और नीचे हो गया, हैलोजन उससे नीचे, R उससे नीचे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर इसलिए बड़ा अहम है कि जब एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा ग्रुप्स मौजूद हों तो ये तय करने के लिए कि गिनती किसकी तरफ से शुरू की जाएगी ये बड़ी अहम चीज़ हो जाती है, जिसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं आपके सामने। अब एक ईथर है इस टाइप का, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? तो अब हम इसके लिए ये करेंगे कि हमें नज़र आ रहा है ये है इथोऑक्सी ब्रांच, ये है हमारी पेरेंट चेन, और ये है नॉर्मल मिथाइल। तो अब ये नॉर्मल मिथाइल भी है और अल्को ऑक्सी ग्रुप भी है। गिनती शुरू होगी उस कोने से जहाँ से ये नॉर्मल मिथाइल करीब पड़ता है, यानी यहाँ नॉर्मल इथोऑक्सी करीब पड़ता है, मिथाइल नहीं पड़ता, सॉरी। तो अब नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, तो ये हो गया टू इथोऑक्सी फाइव मिथाइल हेक्सेन। फिर इसमें वही बात है, अगर ब्रांचेस में एक से ज़्यादा मीथोऑक्सी या इथोऑक्सी आ जाएँ तो आप डाई लगा देंगे, क्योंकि अब इनका स्टेटस बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्मल मिथाइल इथाइल का होता था। बस फ़र्क ये है चूँकि इनमें ऑक्सीजन है तो इनकी प्रायोरिटी बहरहाल नॉर्मल मिथाइल इथाइल से ज़्यादा है। जैसा आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में अगर मैं राइट से गिनती गिनता तो मिथाइल सेकेंड पर था, और लेफ़्ट से गिनती गिनता तो इथोऑक्सी सेकेंड पर था। तो मैंने मिथाइल को प्रेफर नहीं किया, मैंने इथोऑक्सी को किया, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और जो हमने अभी लिस्ट बनाई है उसमें भी ये मेंशन किया हुआ था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स करते हैं जिसमें अब तक जो कुछ किया है उनमें सबकी ही बातें हमें नज़र आ जाएं, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अच्छा भाई इनमें सारी बातें मौजूद हैं। सो अब ये मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें अल्को ऑक्सी ग्रुप भी है, और इसमें OH ग्रुप भी है। तो सबसे पहले पेरेंट चेन हम पिक करेंगे, जिसके लिए ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि हम ऐसे ले लें तो इसे ब्रांच बना दें, तो ये टोटल सिक्स कार्बन की पेरेंट चेन है, मीथोऑक्सी ब्रांच हो जाएगी, OH भी ब्रांच है और इथाइल भी ब्रांच है। गिनती कहाँ से शुरू करनी है? सबसे टॉप प्रायोरिटी OH की है। इस तरफ से देखें तो OH फोर से है, यानी लेफ़्ट साइड से देखें तो OH फोर्थ पे है, और राइट साइड से देखें तो OH थर्ड पर है। तो हमने OH को प्रेफर किया और उसके हिसाब से सबके लिए गिनती कर दी। अब ये नाम जो बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? फोर इथाइल वन मीथो ऑक्सी और फिर डबल बॉन्ड थर्ड पर है तो थ्री हेक्सीन, और थर्ड पर ही OH ग्रुप है तो थ्री ओल।
अब देखिए मैंने एक साथ कई कैरेक्टर्स इसमें डाले, चार कैरेक्टर थे इसमें, ईथर ग्रुप भी था इसमें, अल्कोहलिक भी था इसमें, डबल बॉन्ड भी था इसमें, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप भी था। हमने बड़े सलीके से उनका नाम दिया है, गिनती गिनी है, पहले पेरेंट चेन चूज़ की है, गिनती OH की साइड से शुरू किया और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हर चीज़ को नाम दिया है। तो ऐसा भी होते हैं कि एक से जायद हैं, ये भी छोटा सा एक मशहूर स्ट्रक्चर है देख लिया जाए तो, कार्बन के चारों तरफ मीथो ऑक्सी ग्रुप है। तो ये नाम बन गया टेट्रा मीथो ऑक्सी मीथेन। सो फिर वही बात, इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ कवर अप हो रहे हैं। अब आप के ऊपर है कि आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो फिर मैं वही कहूँगा कि आपके पास आपकी थ्योरी की एक्सरसाइज बुक भी होगी, बुक में भी एग्जाम्पल होंगी, लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें तो जाएंगे, वरना जितनी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ अगर वो आपकी समझ में आ रही हैं तो फिर दैट्स इनाफ। मतलब इससे हमारा काम आसानी से हो जाएगा। मैं आपसे जो मिनिमम नॉलेज रिक्वायर करता हूँ कि ये हमें पता होनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग दी ऑर्गेनिक, वो इसमें पूरी हो रही है। ठीक है, स्क्रीन ये जो हमारी स्लाइड है इसे भर देते हैं ज़रा। तो अगर हम इसमें वही स्ट्रक्चर यहाँ भी ले आए कि दो कार्बन हो और दोनों के साथ CH3 अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ हो तो ये बन जाएगा 1,2-dimethoxy ईथेन। ये अब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में हमने दो मशहूर फंक्शनल ग्रुप कर दिए, अल्कोहल और ईथर। जो अब है उनकी ख़ास बात ये है कि उससे हम उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं और रेस्ट ऑफ द फोर फंक्शनल ग्रुप बिलोंग्स टू दैट। और वो कहलाता है कि अगर एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन के तो दोनों बॉन्ड हो गए, कार्बन की दो वैलेंसियाँ बचती हैं। इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब हमारे आगे के तमाम फंक्शनल ग्रुप्स में ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा इन डिफरेंट सिचुएशन। तो अब उस सिचुएशन में दिस कार्बोनाइल ग्रुप कुड बी एल्डिहाइड, कुड बी कीटोन, कुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड, कुड बी एस्टर। तो सिचुएशन ये बनती है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन लग जाए और एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो तो ये एल्डिहाइड कहलाता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये कीटोन कहलाता है। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ OH ग्रुप लग जाए और दूसरी तरफ R तो ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड कहलाता है। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ ईथर की तरह अल्कोऑक्सी ग्रुप हो और एक तरफ R हो तो ये एस्टर कहलाता है। तो अभी इनको चारों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि लिख तो दिया ही है वहाँ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड विद हाइड्रोजन एंड R। इसको IUPAC में अब हम कहते हैं अल्कानल। तो वही अल्कोहल से मिलती जुलती बात हो गई कि उधर OL है यहाँ AL है, बाकी बातें वही हैं। ये कार्बन एटम्स की तादाद को बताता है, ये उनके दरमियान बॉन्ड को बताता है और ये है फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो इस तरह अगर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड हो जिसमें सिचुएशन ये बने कि आप कहें कि सिर्फ एक ही कार्बन है जिसने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया है और इसके दोनों तरफ H है, ये सबसे छोटा एल्डिहाइड हो गया एक कार्बन वाला जिसका नाम बना मीथानल। अब अगर दो कार्बन वाला हो तो ये बना इथानल। तो अब अगर तीन कार्बन वाला हो तो ये बना प्रोपानल। इसी तरह चार कार्बन वाला ब्यूटानल, पांच वाला पेंटानल, छह वाला हेक्सानल एंड सो ऑन। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए मैं आपके सामने सिक्स कार्बन वाला कंपाउंड लिखूं तो उसका नाम है हेक्सानल। इवन मुझे उधर भी एक था तरीका कि भाई जैसे तीन से ज़्यादा कार्बन होते हैं आप पोजीशन बताने की बात करते हैं,
तो ये नहीं होगा कि आप हेक्सानल में कहें बताइए एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कहाँ है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जिस अंदाज़ से एल्डिहाइड को डिफ़ाइन किया गया है, इसका कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा कॉर्नर पर होगा। अब वो लेफ़्ट कॉर्नर हो या राइट, इत्तेफाक से मैंने सारे राइट कॉर्नर पर बनाए, दिट कुड बी रिवर्स, लेकिन ये होगा हमेशा कॉर्नर पर। यानी गिनती अगर इसके कॉर्नर से शुरू की जाएगी तो ये हमेशा कार्बन 1 होगा। तो चूंकि ये हमेशा कार्बन 1 होगा, इसलिए हम 1 हेक्सानल नहीं लिखते, हम कहते हैं अंडरस्टूड है आपने हेक्सानल लिखा तो इसका मतलब है जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो राइट या लेफ़्ट किसी कॉर्नर पर है और वही कार्बन नंबर 1 है। तो इससे ये पता चला कि हमें एल्डिहाइड की खुद की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता ये चूंकि कोने पर होता है तो इसके रेस्पेक्ट से बाकी ब्रांचेस की पोजीशन बताई जा सकती है, तो ये और भी आसान बात हो जाती है। मसलन अगर मैं आपके सामने, अब मैं ऐसा भी एक बना दूं जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप लेफ़्ट पर हो ताकि आपको ये ना हो ये हमेशा राइट पर ही होता, तो ऐसे बना दिया। अब अगर मुझे ये पोजीशन बतानी है, जाहिर सी बात है एल्डिहाइडिक ग्रुप की नहीं बतानी, मुझे बतानी है इस ब्रांच की जो लगी हुई है मिथाइल की, तो ऐसे बताऊंगा कि जिस कोने पे कार्बोनाइल ग्रुप है हमेशा उसी को कार्बन 1 लेना है और उसके रेस्पेक्ट से गिनती गिनेंगे तो हमें नाम मिलेगा 3-मिथाइल पेंटानल, 3-मिथाइल पेंटानल। जिसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट ये कहती है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप अब एल्डिहाइड हो गया है, क्योंकि ये जिस कोने पर होगा आप हमेशा उसे 1 बना देंगे। OH अब एक दर्जे नीचे हो गया है, अल्कोऑक्सी ग्रुप उसके नीचे, और बाकी सब खुद ब खुद वही तरतीब है नीचे होते जाएंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हेलोजेंस एंड अल्काइल ग्रुप, सिंपल अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि जिस कोने पे कार्बोनाइल ग्रुप बना हुआ होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप लेफ्ट या राइट, बस वहीं से गिनती गिनेंगे और जो भी बाकी चीज़ें होंगी उनकी पोजीशन बता देंगे। तो अब अगर वो बाकी चीज़ें क्लोरीन है, मीथोक्सी ग्रुप है या सिंपल अल्काइल ग्रुप है, डजेंट मैटर। अब आपने देखा मैंने राइट पर बनाया एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो ये वाला कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो अब ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, ये भी ब्रांच, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे तो ये होगा 5-क्लोरो-4-मीथो-ऑक्सी-2-मिथाइल-हेक्सानल। एल्डिहाइडिक ग्रुप भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है एक लेफ़्ट कॉर्नर पर तो एक राइट कॉर्नर पर, तो आप AL से पहले डाई लगा देते हैं। तो अभी टोटल 5-4 कार्बन हैं, तो आप इसका नाम रखेंगे ब्यूटेन, और इसके चूंकि दोनों कोनों पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो डायल, ब्यूटेन डायल। पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अंडरस्टूड है कि एक फर्स्ट पर होगा तो एक फोर्थ पर होगा, एक एक कॉर्नर पर तो एक दूसरे कॉर्नर पर। इसी तरह ये सबसे मशहूर एग्जांपल है, 2 कार्बन दोनों में एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो इसको कहते हैं ईथेन डायल। और फिर एक स्पेशल चीज़ है, और वो स्पेशल चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज कर लीजिए हमारे एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर, यानी एल्डिहाइड के अंदर अगर OH ग्रुप लग जाए, तो अब हम OH को तो ओल कहते थे और इसे AL कहते हैं, तो अब ये टोटल 5 कार्बन है, इसमें OH भी है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो क्या इसका नाम पेंटानॉल नल रखेंगे, अजीब लगेगा। क्या नहीं, जब आपसे ये बात हो गई कि प्रायोरिटी लिस्ट में OH ग्रुप नीचे हो गया और एल्डिहाइड ऊपर हो गया, इसका मतलब आप कहेंगे ये कंपाउंड एक एल्डिहाइड है जिसमें OH ब्रांच हो गई है। चूँकि बड़ा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो कंपाउंड उसके नाम से पुकारा जाएगा, और जो फंक्शनल ग्रुप अब छोटा हो गया वो ब्रांच कहलाएगा। तो जब OH ग्रुप सबसे बड़ा था तो उसको अल्कानॉल कहते थे, लेकिन जब OH ग्रुप छोटा हो गया और उससे कोई ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो फिर OH ब्रांच बन गया, और जब ये ब्रांच बन जाता है तो हम इसे हाइड्रोऑक्सी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोऑक्सी है, टोटल ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, पेंटानल कहलाएगा, और OH की पोजीशन जैसा कि हमें नज़र आ रही है 4th है, तो ये कहलाएगा 4-हाइड्रोऑक्सी पेंटानल। ठीक हो गई बात, ये है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का भाई कीटोन, हमने आपसे कहा कीटोन के कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ आर होता है, सेम और डिफरेंट।
हिसाब ये बन गया कि अगर ये कार्बनाइल ग्रुप कोने पर हो जैसे अभी था तो वो एल्डिहाइड है, और अगर ये कोने पर ना हो बल्कि कोने के अलावा किसी भी कार्बन पर हो तो ये कीटोन। उस सूरत में पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, बस ये फ़र्क आ गया। तो अब कीटो कार्बनाइल ग्रुप की दो पहचान है, एल्डिहाइड की दो पहचान है, एक तो वो हमेशा कोने पर होता है और उसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है। कीटोन कोने पर नहीं होता और उसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा होता। तो इस हिसाब से इसको IUPAC में क्या कहते हैं, इसको IUPAC में कहते हैं अल्का नॉन। इसका मतलब है अल्का, ALK और AN का तो मतलब हम बता ही चुके। अब इसके लिए जो नया लफ्ज़ बना है वो ओन, अल्कोहल में था OL, एल्डिहाइड में था AL, और इसके लिए है ONE। दिस इज़ फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। तो अब अगर हम कीटोन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी फैमिली कम अज़ कम तीन कार्बन से शुरू होती है। एक कार्बन वाला या दो कार्बन वाला कीटोन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो फार्मूला है उसके मुताबिक कार्बनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कम अज़ कम एक एक कार्बन होना चाहिए। तो ये सबसे छोटा कीटोन है, इसमें टोटल तीन कार्बन है। तो ऊपर वाले स्टाइल के मुताबिक इसका नाम होगा प्रोपानॉन। इसी तरह अगर इसमें चार कार्बन हो तो इसका नाम होगा ब्यूटा नॉन, और ब्यूटा नॉन तक आपको पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें क्यों नहीं है इसको टू ब्यूटा नॉन लिखना चाहिए, हमने कहा इसलिए नहीं है कि जब आपने कहा ये ब्यूटा नॉन है, कीटोन है, तो कीटोन का जो कार्बनाइल ग्रुप है वो कोने पे तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है ना इधर हो सकता है ना इधर, तो अब पॉसिबिलिटी सिर्फ यही दो कार्बन है, इधर हो तो लेफ़्ट से ये सेकेंड है, इधर हो तो ये राइट से सेकेंड है। इसका मतलब है ब्यूटा नॉन में पोजीशन ना भी बताएं तो सबको पता चल रहा है वो राइट या लेफ़्ट से सेकेंड ही होगा। तो कीटोनिक ग्रुप में पोजीशन बताई जाती है, बिल्कुल बताई जाती है, लेकिन कब, जब कम से कम पांच कार्बन हो। ठीक हो गई बात। तो अब पांच कार्बन वाला कीटोन ये आपके सामने है, इसमें कीटोनिक ग्रुप कोने से सेकेंड पर भी हो सकता है और इसमें कीटोनिक ग्रुप बीच में यानी थर्ड कार्बन पर भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने दो कीटोन बनाए हैं, दोनों में टोटल पांच पांच कार्बन है, जिसका मतलब है दोनों का नाम अगर मैं दूंगा तो पेंटानॉन ही दूंगा। अब दोनों को पेंटानॉन कह दिया तो पता नहीं चल रहा कि किस पेंटानॉन का कीटोनिक ग्रुप कहाँ है, तो ये पोजीशन से पता चलेगा। तो यहाँ लेफ़्ट से गिनती शुरू करेंगे तो टू पेंटानॉन, और इसमें कहीं से भी शुरू कर दें थ्री पेंटानॉन। ठीक हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब अगर कीटोनिक ग्रुप में भी अपने वो सारे लवाजमात लगाएं जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो बात ऐसे बनेगी कि हमें सिर्फ ये जानना होगा कि गिनती किसके के कोने से शुरू की जाए, यानी अब करंट स्टेटस ऑफ प्रायोरिटी क्या है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप अभी भी सबसे ऊपर है, फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का नंबर टू हो गया है। तो OH एक नंबर और नीचे चला गया, OR एक नंबर और नीचे चला गया, उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हैलोजेंस, उसके बाद अल्काइल ग्रुप। तो अब इस हिसाब से गिनती शुरू होगी जहां से कीटोनिक ग्रुप करीब पड़ता है, हैलोजेंस को नहीं देखेंगे, नाम लिखते वक्त कहेंगे 5-bromo-3-hexanone। यहां भी ये बात आएगी कि अगर कीटोनिक ग्रुप एक से ज़्यादा हो जाए तो डायऑन ट्रायऑन ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, इट कंटेन्स टू कीटोनिक ग्रुप्स, तो हम जब इसका नाम देंगे तो पहली बार गिनती उस कोने से शुरू करें जहाँ से रिलेटिवली कीटोनिक ग्रुप करीब पड़ते हैं, और अब नाम देंगे कि इसका नाम है 2-5-heptene-dione, which is obviously can be written as heptane 2-5-dione। ठीक हो गई बात। फिर नंबर 7 में हम अगर इस एक स्टेप और बढ़ाएं और आपको मज़ीद बताने की कोशिश करें, तो इसमें ये हो सकता है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि टोनिक ग्रुप है और उसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, और अल्कोऑक्सी ग्रुप, इतना ज़्यादा चीज़ें आ गई। अब फिर वही बात है कि गिनती उस कोने से शुरू होगी जहाँ से कीटोनिक ग्रुप रिलेटिवली ज़्यादा करीब है, और अब हमें ये भी एहसास हो गया है कि ये जो OCH3 है ये ब्रांच है।
तो नाम लिखते वक्त हम कहेंगे 7-methoxy 3-heptene 2-5-dione. तो अब अगर हम आपसे ये कहें कि इवन ऐसा कर दीजिए कि कीटोनिक ग्रुप भी हो और OH ग्रुप भी हो, तो फिर वही बात आएगी कि OH ग्रुप चूँकि कीटोनिक ग्रुप से भी छोटा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ भी OH एज ए ब्रांच आएगा और बड़ा फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा. तो इसलिए ये नाम बन जाएगा 4-hydroxy 2-hexanone. और फिर अगर किसी के दिल में आ रही हो बात, अगर एक ही कंपाउंड में कीटोनिक ग्रुप भी हो और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो, तो चूंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अगेन एल्डिहाइड बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा और कीटोन छोटा फंक्शनल ग्रुप होगा. तो कीटोन जब खुद बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसे अल्कानॉन कहते हैं, लेकिन जब वो छोटा फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो एल्डिहाइड की ब्रांच बनेगा. ये 5 कार्बन वाला पेंटानल है. तो अब कीटोनिक ग्रुप को क्या कहेंगे? कीटोनिक ग्रुप अगर खुद बड़ा फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्कानॉन, अभी नाम दिए हैं, लेकिन अगर वो छोटा फंक्शनल ग्रुप हो यानी उससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो उसको ब्रांच के तौर पर हम कहते हैं ऑक्सो. तो ये कहलाएगा ऑक्सो. तो अब ये 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में हैं जिनको हम एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ते हैं और एज ए ब्रांच भी पढ़ते हैं. अल्कोहल अगर ये ऐसे कंपाउंड में मौजूद हो जिसमें इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो इसे अल्कानॉल कहते हैं, और अगर अल्कोहल से बड़े फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो उसे हाइड्रोक्सी कहते हैं. इसी तरह कीटोन अगर ख़ुद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो उसे अल्कानॉन कहते हैं, और अगर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई मौजूद है जैसे इस स्ट्रक्चर 9 में था तो इसे ऑक्सो कहते हैं, ये ब्रांच बन जाता है. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट कीटोन एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द 4th फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन. तो अब अगर हम बात करें तो हम बात करें अपने 5वें फंक्शनल ग्रुप को, और वो है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड. सो अब कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो है इसकी पहचान क्या बनाई थी हमने, कि कार्बनाइल ग्रुप और OH ग्रुप मिल जाए तो कार्बन की सिर्फ एक वैलेंसी बचती है. इस ग्रुप को हम COOH करके भी लिखते हैं और ये कहलाता है कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप. तो अब ये कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जिस कंपाउंड में होगा वो कहलाएगा कार्बोऑक्सिलिक एसिड, यानी हम देख रहे हैं इसकी एक तरफ से वैलेंसी खाली है. अगर इस वैलेंसी पर अल्काइल ग्रुप लग जाए तो दिस इज़ सिंपली कॉल्ड कार्बोऑक्सिलिक एसिड. तो अब इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो इसका IUPAC नेम होता है अल्कानोइक एसिड. तो इसका मतलब है अल्केन तो हर एक के नाम में आ ही रहा था, इसका सफिक्स थोड़ा बड़ा है, OIC एसिड, ये पूरा नाम के आखिर में आता है. तो अब अगर ये नाम के आखिर में आता है तो जनाब एक कार्बन वाला कार्बोऑक्सिलिक एसिड जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं लिखने के. तो ये नाम कहलाता है मीथनोइक एसिड. फिर इसकी दूसरी एग्जांपल है जो मशहूर सी, ऐसे भी लिखते हैं, और CH3COOH सब इसे पहचानते हैं, इसे कॉमन नेमिंग में एसिटिक एसिड कहते हैं, लेकिन यहाँ अब इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड. तो अब हमें समझ आ गई, कार्बन बढ़ाते जाइए, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक होगा, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक होगा, और 5 कार्बन वाला पेंटानोइक होगा. सो मैंने वो बना दिया. और इसमें भी एल्डिहाइड की तरह कहानी समझ में आ रही है कि COOH ग्रुप हमेशा कोने पर होगा, और कोने पर होगा तो इट्स ऑलवेज कार्बन नंबर 1. तो आप गिनती हमेशा उसी की तरफ से शुरू करेंगे, और चूंकि हमें पता है वो हमेशा कार्बन 1 है तो उसकी खुद की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं, ना एल्डिहाइडिक ग्रुप की पोजीशन बताई जाती है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन बताई जाती है, क्योंकि वो हमेशा 1 पर हैं, चाहे राइट की साइड पर हो चाहे लेफ्ट साइड पर हो. तो आपकी तसल्ली के लिए एक ऐसा भी बना देता हूँ जिसमें COOH ग्रुप को लेफ़्ट साइड पर दिखा दिया जाए, तो भी हिसाब ही हो जाएगा कि अब ये लेफ़्ट कॉर्नर पर है तो हमारी गिनती लेफ़्ट कॉर्नर से शुरू होगी, कहलाएगा ये 1 कार्बन ही. तो ये टोटल बनते हैं 7, ये है हेप्टानोइक एसिड. 1 हेप्टानोइक एसिड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है.
अब सारी बात हो गई कि अब सर इसके साथ आप लगा देंगे वही सारी चीज़ें जो पहले पढ़ चुके हैं, डजन मेक एनी बिग डील, सिर्फ अहम बात यह है कि अब प्रायोरिटी लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप अब हो गया है COOH, और ये परमानेंट है। यानी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ने हैं या नहीं भी पढ़ने, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उनमें भी सबसे टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप COOH है। तो नंबर वन पोजीशन अब फिक्स हो चुकी। अब जो भी हम इसके बाद फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वो नीचे कहीं अपनी जगह बनाएंगे, लेकिन COOH इज़ फॉर एवर द नंबर वन टॉप प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। इस वक्त हमारा नंबर टू एल्डिहाइड है, नंबर थ्री कीटोन है, नंबर फोर OH है, नंबर फाइव अल्कोऑक्सी ग्रुप है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन और अल्काइल ग्रुप। अब ये पहचान बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, और ज़रा मिलते जुलते स्ट्रक्चर आ गए ना, तो इसलिए बड़ी अहम हो गई। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, अब ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है क्योंकि आप सब समझते हैं कि ये नाम कैसे दिए गए होंगे, हम सिर्फ तसल्ली की खातिर एक दो स्ट्रक्चर कर लें अगर। तो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो कंटेन डबल बॉन्ड एंड हैलोजन। गिनती कहाँ से शुरू होगी, जहाँ पर ये खुद मौजूद है, COOH वाला कार्बन वन होगा, और इस हिसाब से ये नाम बन रहा है कि ये है 4-क्लोरो-2-पेंटीनोइक एसिड। एक कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, उस सूरत में अल्कानोइक एसिड में ओइक एसिड से पहले डाई लग जाएगा। सो हेयर आई हैव दिस वन, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन डायोइक एसिड। एंड इसी तरह दो कार्बन हो सिर्फ और दोनों में COOH ग्रुप हो, बड़ा मशहूर कंपाउंड है ये, IUPAC में ईथेन डायोइक एसिड कहलाता है, कॉमन नेमिंग में ऑक्जैलिक एसिड के नाम से आप इसे वाकिफ़ हैं। ठीक हो गई बात, दैट्स इनफ फॉर इट। इसी तरह अब ऑक्सीजन का जो लास्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है एस्टर। अब एस्टर में हमने ये कहा है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता था COOH, तो इसके एच को रिमूव कर दें और इसकी जगह भी आर लगा दें, तो ये बन गया एस्टर। इस तरह अब इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप हुआ वो RCOO हो गया, RCOOH नहीं है, COO हो गया, ये एस्टर ग्रुप है, और इसके दोनों तरफ आर लगा हुआ है, जो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, अब ईथर की तरह यहाँ हम ये नहीं कहते कि जिस तरफ ज़्यादा कार्बन है, बल्कि हम कहते हैं फिक्स हो गई बात, ये जो ऑक्सीजन की साइड पर आर लगा हुआ है ये हर हाल में ब्रांच है और इसका नाम है अल्काइल, और जो बाकी पूरा हिस्सा है RCOO ये वाला हिस्सा, इसका नाम है अल्कानोइट। अब अगर फ़र्ज़ कर लें ऑक्सीजन के साथ जो आर डैश लगा हुआ है उसमें 10 कार्बन हो, फिर भी ये ब्रांच है, और ये जो अल्कानोइट वाली साइड में आर है इसमें एक कार्बन हो, फिर भी ये पेरेंट चेन है, ये तय हो गया। ठीक हो गई बात, तो इसका मतलब इस कंपाउंड का जब हम पूरा नाम लिखेंगे तो ब्रांच पहले आती है पेरेंट चेन बाद में, इसलिए नाम का ऑर्डर होगा अल्काइल अल्कानोइट। यानी आपका काम है, आप सबसे पहले देखेंगे कि ओ के साथ क्या लगा हुआ है, जो भी अल्काइल ग्रुप है पहले उसका नाम आएगा और फिर आप बाकी RCOO अल्कानोइट का नाम लिखेंगे। सो जैसे ये है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आपने देखा ऑक्सीजन वाली साइट पर आपके पास CH3 है जिसको आप मीथाइल कहते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे मीथाइल। अब आपके कंपाउंड में क्या बची चीज़, अब ये हिस्सा बचा CH3COO, इसमें कितने कार्बन हैं, दो, तो इसका नाम अल्कानोइट रखना है, तो दो कार्बन की वजह से हो जाएगा इथानोइट, तो ये बन गया मीथाइल इथानोइट। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ जो चीज़ लगी हुई है वो हमेशा राइट पर ही हो, मैं ऑर्डर अगर चेंज कर दूँ तो अब ये ऐसे हो गया। तो अब ऑक्सीजन के साथ जो हिस्सा लगा हुआ है वो राइट पर है, नज़र आ रहा है ऑक्सीजन के साथ है, ये ब्रांच है, इसका नाम है इथाइल। और अब बाकी जो कंपाउंड हमारे पास है उस कंपाउंड में भी इत्तेफाक से दो कार्बन है तो उसका नाम भी वही बना इथानोइट, तो ये इथाइल इथानोइट हो गया। ठीक हो गई बात, अब इसमें भी हम थोड़ी सी और एग्जांपल कर लें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस तरफ ज़्यादा कार्बन हो और किस तरफ कम हो, जो ऑक्सीजन के साथ हिस्सा होगा इट्स ऑलवेज अ ब्रांच। अब आप देखिए ऑक्सीजन के साथ जो चेन लगी हुई है उसमें चार कार्बन है लेकिन ये ब्रांच होगा,
और जो कार्बनाइल ग्रुप के साथ हिस्सा लगा हुआ है उसमें तीन कार्बन है मगर ये पेरेंट चेन होगा, तो मैं नाम दूंगा इसका ब्यूटाइल प्रोपानोइड। इसमें अगर हम ब्रांचेस लगाते हैं तो इस हिस्से को सिंपल रखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इस हिस्से को हम सिंपल रखते हैं। अब जो भी डबल बॉन्ड ब्रांचेस या फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं वो इस हिस्से में लगाएंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखिएगा, तो अब ऑक्सीजन के साथ जो हिस्सा लगा हुआ है आपको नज़र आ रहा है उसमें दो कार्बन है, तो आप उसका नाम क्या रखेंगे, आप उसका नाम रखेंगे इथाइल। ये हिस्सा ख़त्म हो गया। अब हमारा फोकस किस पर है, अब हमारा फोकस है इस हिस्से पर, ये वाला इथाइल हो गया, अब इस हिस्से पर है। इसमें कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4, और इसमें ये मिथाइल भी ब्रांच है, ये क्लोरीन भी ब्रांच है, तो टोटल कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल 2-क्लोरो-3-मिथाइल ब्यूटानोइड। यानी आप हर हाल में कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी नहीं देखेंगे, हर हाल में पहले उस हिस्से का नाम लिखेंगे जो ऑक्सीजन के साथ है। इथाइल ई से शुरू होता है लेकिन हमने परवाह नहीं की, हमने पहले इसका नाम, ये लिखने के बाद अल्कानॉइड वाले हिस्से का नाम होगा, उसमें जो भी ब्रांचेज हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दें जो भी दें, लेकिन ये बाद में आएगा। ये इथाइल का नाम सबसे पहले आएगा जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है। तो इसी में अगर हम थोड़ी सी आपके लिए और वैरायटी ले आएँ अगर, तो वो ये है, ये नाम बहुत सिंपल है, ये नाम बना ऑक्सीजन के एक तरफ तीन कार्बन है प्रोपाइल, दूसरी तरफ भी तीन है प्रोपाइल प्रोपानोइड, ठीक है। अब मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो ये है कि इधर आपने देखा कि तीनों कार्बन्स की सिंपल प्रोपाइल बना है स्ट्रेट चेन। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम आपके पास ऑक्सीजन के साथ तीन कार्बन की ब्रांच ऐसे टेढ़े तरीके से बना दें तो क्या होगा। तो अब जो ख़ास बात हमें आपको बतानी है वो ये है कि याद रहे, अगर किसी ब्रांच में तीन कार्बन स्ट्रेट हों जैसे कि अभी थे पिछले स्ट्रक्चर में, तो आप उसका नाम रखते हैं प्रोपाइल। अगर किसी जगह ब्रांच में ऐसा हो जाए कि तीन तो कार्बन हैं मगर वो इस तरह टेढ़े तरीके से हैं जैसे इस वक्त है, तो इसको कहते हैं आइसो प्रोपाइल। तो इसका मतलब है अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल इथानोइड, सॉरी नॉट इथानोइड, प्रोपानोइड। अच्छा, जिस तरह ये प्रोपाइल से आइसो प्रोपाइल बना है इसी तरह अगर चार कार्बन स्ट्रेट हो तो इसको कहते हैं ब्यूटाइल, और अगर ये इस तरह हो कि इनके कोने से सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल बन जाए ब्रांच, चार कार्बन इस तरह से हो तो इसको कहते हैं आइसो ब्यूटाइल। तो ख़ास बात यह है कि आइसो की निशानी ये है कि ये जो आइसो प्रोपाइल के अंदर, मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, यहाँ थ्री है, गलती से नहीं लगा। अच्छा, अब ये जो आइसो प्रोपाइल के अंदर आपको मिल रही है ये शेप, ये हर एक में होगी तो उसे आइसो कहा जाएगा। तो अब देखिए इसमें टोटल चार कार्बन है और इसमें ये आइसो प्रोपाइल वाला शेप मौजूद है, इसलिए लफ्ज़ आइसो इसमें आया है। तो इसी से एक बच्चा गैस कर सकता है कि अगर कोई आपसे कहे आइसो पेंटाइल कैसा होगा, तो आप टोटल पांच कार्बन बनाएंगे और कोने से सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच बना देंगे। अब ये टोटल पांच कार्बन है और इसमें एग्जैक्टली वही आइसो प्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर मौजूद है कि कोने से सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है, इसको हम कहेंगे आइसो पेंटाइल। इसी तरह अगर आइसो हेक्साइल होगा तो ये आइसो हेक्साइल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अब आप आइसो की अच्छी तरह पहचान कर चुके हैं। आइसो शुरू होता है तीन कार्बन से, यानी प्रोपाइल से आइसो शुरू हुआ, ब्यूटाइल में है, पेंटाइल में है, हेक्साइल में है, सब में है उसके बाद। तो इसके अलावा एक और नाम आता है जो हमें आना चाहिए, वो है न्यू। एक आइसो है और एक न्यू है, तो अब मैं बात करना चाहूँगा न्यू की। तो अब न्यू में क्या हिसाब है, वो कम से कम पांच कार्बन में होता है,
तो पांच कार्बन यानी पेंटाइल में होता है। तो पेंटाइल में न्यू क्या चीज़ है, ऐसे बनेगा कि आप सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच रखते थे, अगर आप ऊपर नीचे दो ब्रांचेस रख देंगे तो दिस इज़ न्यू, तो ये कहलाता है न्यू पेंटाइल। अब आपको और भी आसानी हो जाएगी, ऐसी ब्रांचेस जिसके कोने से सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल हो वो आइसो, और अगर कोने से सेकंड कार्बन पर दो मिथाइल हो तो वो न्यू, और पूरे कार्बन गिनेंगे पाँच हैं तो इसलिए ये न्यू पेंटाइल कहलाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप न्यू हेक्साइल बनाते हैं तो टोटल सिक्स कार्बन होंगे और कोने से सेकंड कार्बन पर दो मिथाइल लगेंगे, दिस इज़ न्यू हेक्साइल। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें इनकी मौजूदगी से भी स्ट्रक्चर बनाने आ जाए। अब अगर आप पहचानें तो ऑक्सीजन के साथ जो ब्रांच लगी है उसमें टोटल पांच कार्बन है और इसके सेकंड कार्बन पर ऊपर नीचे दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो दिस वन इज़ न्यू पेंटाइल, इसलिए हम नाम लिखेंगे न्यू पेंटाइल। और फिर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बचा यहाँ, अब इसके पर आराम से फोकस करें, ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, ये थ्री कार्बन, ये फोर कार्बन, ये फाइव, और इसमें मिथाइल ब्रांच है जो कार्बन फोर पर है, तो फोर मिथाइल, डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीनोएट हो जाएगा यानी टू पेंटीनोएट। तो ये मैंने कोशिश की कि जितनी भी मेन मेन बातें हैं वो आपसे करूँ, जिनका नॉमनक्लेचर बिल्कुल गया गुजरा था उनको इसके साथ थोड़ी सी और अपनी प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल करनी चाहिए, जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ी थी उसे देखें, और अगर कुछ भी उनके पास नहीं है तो बुक में चैप्टर 9 के आखिर में असाइनमेंट दिया हुआ है, इसमें कोई 30 के करीब स्ट्रक्चर है, उन्हें ट्राई कीजिए, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वरना ये जिनका नॉमनक्लेचर पहले से अच्छा था और वो चाहते थे कि सिर्फ ये रिवाइज हो, तो उनके लिए मैंने इनफ एग्जाम्पल करा दिए। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो इस पूरे लेक्चर में हमने कवर कर दिया। अब हम अपनी रेगुलर क्लास में, आपसे दरख्वास्त ये है कि सबने ये तीनों वीडियोस देखी हों बिफ़ोर आर ट्यूसडे क्लास, और उसमें हम इसका एक क्विक रिव्यू करेंगे, और हमें अब जो चीज़ें अपनी क्लास में डिस्कस करनी होंगी वो एक साइक्लिक कंपाउंड की थोड़ी बात करेंगे, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग में अमाइंस, खास तौर पर उनका नॉमनक्लेचर, तो वो छोटे छोटे हम अपनी क्लास में बात करना चाहेंगे उनके ऊपर। और फिर जब ये हमारी हमें इत्मीनान हो जाएगा कि येस यू आर इन ग्रिप, तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक बहुत मज़े से हमारा कवर होगा। ठीक हो गई बात, थैंक यू वेरी मच।